तो आप देख सकते हो ये नॉइस का एडिशन। चलो तो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, तो आप लोग की दुआओं के बिना वो तो पॉसिबल नहीं है। थैंक गॉड बच गए, इंशाल्लाह आगे समझ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब समझ बोले दुबई तक जाएगी। We could be legend. I have nothing to lose. Nothing can. Good afternoon and welcome back to my channel. It's Nihal Rumane Vlogs. तो फाइनल जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि एक दिन ज़रूर जाऊंगा मोटो व्लॉग, मतलब मोटो व्लॉग करेंगे मुंबई तक का, तो आज वो दिन आ चुका है। टुडे इज़ डे और आज हम मैं और अरबाज अपनी एक्सेस पे पूरा सेट हो चुका है। ठीक है, एक्सेस का काम वाम कर लिया थोड़ा, बस स्पीडोमीटर चल नहीं रहा है, बाकी सब तो सेट है। दो तीन लगेज है, अरबाज और मैं निकल रहे अभी, और साउथ भाई लोग सब पीछे खड़े हैं, अभी गुड बाय बोल के निकलेंगे। साउथ भाई ने अपने को एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया है, वो गिफ्ट कैसे मिला आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बट वो गिफ्ट मिल चुका अपने को। तो अपन डीजी ऐसे नहीं, इस बार नॉइस क्या भाई प्ले एडिशन, प्ले व्लॉग एडिशन से मोटो व्लॉग शूट करेंगे। तो हेलमेट पे पूरा सेट हो चुका है, साउथ भाई जरा दे दो, जरा दिखा देते अपन कैसा हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये नॉइस का प्ले व्लॉग एडिशन है, तो इससे अपन मोटो व्लॉग शूट करेंगे, बाकी तो यही डीजी ऐसे शूट करेंगे। तो अभी सब सेट करते हैं और निकलते हैं। हम लोग निकल रहे, सब सेट हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर आने के लिए, थैंक यू साउथ भाई इस कैमरा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना अलग लेवल का मिलता है, अलग स्टाइल। चलो जेबी भाई, बूम, यस यस, चलो सी यू सून, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। चलो तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, स्टार्ट बोलते हैं बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करते हैं। अभी जाके पहले बस एयर प्रेशर चेक करते हैं और फिर निकल जाएंगे अपने जर्नी के लिए। थोड़ा सा हल्का सा अरबाज भाई आप कंफर्टेबल हो? अरबाज भाई भी कंफर्टेबल है पीछे। तो हम लोग के पास बस तीन लगेज है, तीन शोल्डर बैग है, एक हम लोग ने यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने नीचे रख दिया है। और आई होप कि ये अच्छा क्वालिटी आ जाए इसमें, वैसे भी इसमें भी 4K है मेरी कैमरे की तरह, इसमें भी 4K, लेकिन इसमें बस 4K 30 FPS है और मेरे इसमें 4K 60 FPS है, तो मतलब ऑलमोस्ट क्वालिटी सेम ही आएगी। एंड आई जस्ट होप कि अच्छे से हम लोग सेफली पहुंच जाए, आप भी हम लोग के लिए प्रे करना कि हम लोग सेफली पहुंच जाए। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतना लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी स्कूटी पे, मतलब यार क्या ही बताओ यार, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था घर से निकलने के टाइम पे, बट सही है, यहाँ पे साउथ भाई वगैरह सबसे मिल के, जिब्रान वगैरह से मिल के थोड़ा मेरा इमोशंस स्टेबल कर लिया मैंने। लाइक यार गाइज व्लॉगर को आप लोग समझ सकते हो कि मतलब एक व्लॉगर के लिए इजी नहीं होता है अपने फैमिली को ऐसा गुड बाय बोल के, ऐसा मतलब यार बाइक पे इतना ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी, एंड आई एम डूइंग दिस फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लाइक आप लोग ने जो इसके पहले वाला मेरा जो पहला मोटो व्लॉग देखा, वो तो बस 50 किलोमीटर्स जाना और 50 किलोमीटर्स आना लाइक 100 किलोमीटर्स का था, ये उसका डबल है, 200 किलोमीटर्स, मोर देन 200 किलोमीटर्स। तो आई जस्ट होप, क्रॉस फिंगर्स के हम लोग सेफली पहुंच जाए और अच्छे से हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना आराम से हो सके उतना आराम से चलाए। एयर प्रेशर मैन, एयर प्रेशर चेक कर लेते हैं फटफट। तो ग्रेट सक्सेस, एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही कम था पीछे वाले टायर में, तो भी हम लोग ने एयर प्रेशर सेट कर लिया है और अभी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट जर्नी, इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल जर्नी रहेगी और इसके बाद ऐसी जर्नी करते रहेंगे। बस वो होता है ना, एक सक्सेसफुल जर्नी आप मार लो फिर तो भाई सब आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, घर वाले भी ट्रस्ट करते हैं और सभी ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, आपके पार्टनर्स, आपके दोस्त, सब ट्रस्ट करते हैं अपने आपका। तो बस ये जर्नी मुझे कुछ भी करके सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है। तो आप लोग भी जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि प्रे करो ताकि मैं आप लोग को अच्छा कंटेंट देते रहूं। जब हम अपने इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो ऊंचे मकाम पे लेके जाना है, तो आप लोग की दुआओं के बिना वो तो पॉसिबल नहीं है। हम ले रहे हैं दापोली का एग्जिट, गुड बाय दापोली, सी यू सून दापोली, सी यू सून। पता नहीं यार, एक्साइटमेंट भी और थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा तकलीफ आएगा इस जर्नी में, क्योंकि ये जो अपन ने साउथ भाई का प्ले एडिशन लिया है, ये इसका अभी अपने को कैसा, जैसे कि मेरे कैमरा में मैं इसे साइड में से बटन दबा दूँ तो मेरे को चालू हो जाता था, इसमें थोड़ा सा अलग सेटिंग है, तो अभी वो चीज़ में अपन मतलब समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लाइक इसी जर्नी में समझ जाएंगे, बट जो भी आप लोग को थोड़ा मतलब पता नहीं बीच में हो सकता है कि कंटेंट में मैं सोच रहा रहूँगा कि व्लॉग चल रहा है, वीडियो चालू है, बट
पता नहीं नए भी चालू रह सकता है, तो वो सब थोड़ा बैर कर लो। ये हो गया डापोली कम्प्लीटली एग्जिट और ये अभी हम मुंबई हाईवे पे लग चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग को मेन जो मुंबई गोवा हाईवे है वो लेने के लिए हम लोग को मेरे हिसाब से अगर हम लोग ऐसी कांस्टेंट स्पीड में चलते रहेंगे लाइक 70-80 में चलते रहेंगे तो हम लोग को 1.5 आवर्स में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे, या तो हाफ एन आवर ज़्यादा लग सकता है रोड कंडीशंस की वजह से। तो मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स में अपन मुंबई गोवा हाईवे पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद तो एकदम माशाल्लाह जर्नी रहेगी। बस मेरा ऐसा है कि भाई मुंबई गोवा हाईवे रात होने से पहले पकड़ ले तो फिर सही रहेगा। अच्छा करने जाते तो स्ट्रगल बढ़ जाता है, वही कुछ हो गया हमारे साथ। मैं यार रोड पे बैठा हुआ यार गाइस, बहुत गंदा सीन हो गया है। हम लोग की स्कूटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो एक बाइक वाले ने हम लोग को बताया कि पास में ही है मैकेनिक, तो अरबाज भाई गाड़ी को धक्का मार मार के लेके गया और मैं यहाँ पे ऐसे रोड पे बैठा हुआ लगेज लेके। तो भी पता नहीं यार बस बन जाए यार, ये जर्नी कैसे भी कम्प्लीट करनी है यार, स्ट्रगल बढ़ गया यार बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि धूप है डे टाइम में निकल जाएंगे, आधा रास्ता कवर कर लेंगे, बट पता नहीं यार जो किस्मत में होता है वो होना है। बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के आज ये जर्नी पूरी हो जाए, रुकना नहीं है यार, बस प्रे करो गाइस, क्रॉस फिंगर्स यार बस गाड़ी बन जाए और अच्छे से पहुंच जाए हम लोग घर। यार अभी रोना आ रहा है यार, क्या हो गया यार क्या ही सीन हो गया यार। अच्छा खासा लाइक हम लोग ना मेरे हिसाब से कुछ 15 किलोमीटर्स तो हम लोग क्रॉस कर चुके थे और हम लोग अच्छा खासा सेट हो गए थे स्कूटी पे कि हाँ अभी मतलब एटलीस्ट अपने को 60-70 किलोमीटर्स तक नॉन स्टॉप चलना है, ऐसा सेट हो गया था। और अचानक में सीन हो गया यार, मतलब ये जो आप रोड देख रहे हो ये स्ट्रेट पैच है ठीक है, वो स्ट्रेट पैच पे अचानक में आवाज़ आ गई, ऐसा थोड़ा स्मेल होने लगी, तो फिर हम लोग रुक गए, बोले क्या है देखते, तो आवाज़ बोले शायद स्पार्क प्लग का सीन है। तो अभी हम लोग ने एक दोस्त को फ़ोन किया, साउथ भाई को फ़ोन किया, तो साउथ भाई बोले हाँ स्पार्क प्लग का सीन रहेगा, लेकिन अभी पास में जो मैकेनिक है वहाँ पे जाके अरबाज भाई देखने गए। मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है, मैं बैठा हुआ, अभी अरबाज भाई की राह में बैठना पड़ेगा। पता नहीं यार बस प्रे कर रहा हूँ कि बस बन जाए यार, आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो। देखोगे हमारे क्या ही दिन आ गए, अरबाज भाई रिटर्न आ गए, काम कुछ हुआ नहीं हम लोग का, फंस गए भाई। अभी हम लोग का दोस्त साउथ भाई ने भेजे, साउथ भाई के मतलब अपने ही दोस्त लोग हैं, मैकेनिक है वो, उनको भेजे। लेकिन हम लोग अभी रोड पर बैठ के क्या कर रहे हैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई तब तक बोले चलो लैपटॉप से ये अपना गोप्रो, हाँ वही मतलब समझो नॉइस अपना चार्ज करके ले रहे, प्ले एडिशन चार्ज करके ले रहे, बोले चलो कुछ तो हो जाए भाई, थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ तो प्रोडक्टिव चीज़ हो जाए भाई फंस गए भाई, स्ट्रगल इज रियल भाई। ये मतलब ये अलग हो गया भाई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई भाई, अनएक्सपेक्टेड, ये कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। अब इसके बाद ना थोड़ा सा शॉर्ट लूँगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको घर जाके भाई, तोबा तोबा भाई। अभी तक ना हम लोग का एटलीस्ट भाई 60-70 किलोमीटर हो जाता था आराम से लेकिन एक घंटा हो गया हम लोगों को घर से, ज़्यादा हाँ एक घंटा ज़्यादा हो गया गरीब जैसे रस्ते पर बैठे हुए क्या ही सीन हो गया भाई, इतना सा छोटा सा काम था छोटा सा, बट उसके लिए कितना एक घंटा स्ट्रगल हो गया। समी भाई ने पूरा सेट कर दिया, समी भाई बननी पड़ेगी ना, थैंक गॉड बच गए, अभी इंशाल्लाह आगे समी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं अभी समी भाई बोले दुबई तक जाएगी, लेकिन हम दुबई तक नहीं हम मुंबई तक ही जाएंगे। हाँ चलो भाई स्टार्टर ले लिए गाड़ी ने, तुम चला के आ जाओ भाई थोड़ा सा, हाँ भाई तुम चला के आ जाओ, समी भाई ट्रायल लेने गए अभी यहाँ से, फटफट भाई पैक करके सब हम लोग बैठ गए थे भाई, सो क्या बोलते लैपटॉप लगा के चार्ज वार्ज करने बैठ गए थे, तो यहाँ से निकलते और सीधा आप लोगों को हेलमेट पे मिलते। चलो सब बढ़िया, अभी फर्स्ट क्लास काम हो गया सेटअप, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं आएगी, थैंक यू समी भाई, इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं आएगी, दुबई तक नहीं जाना है बस मुंबई तक जाने का है। तो चलो अभी इंशाल्लाह निकलते सेफली पहुंच जाएंगे, अभी ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, पता नहीं क्या नज़र लग गई। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय, सी यू सून।
इंशाल्लाह अभी सही से पहुंच जाएंगे। यार बहुत ही गंदी ट्रिप मिली थी, बहुत ही ज्यादा गंदी ट्रिप मिली थी हम लोगों को। समी भाई आए, सऊद भाई ने उन लोगों को भेज दिए, इसके लिए हम लोग अभी इंशाल्लाह सेफली पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं, जो टारगेट था वो टारगेट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इंशाल्लाह सेफली पहुंच जाए यही मैटर करता है। मैं आप लोगों को कुछ देर पहले ही बोल रहा था अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मुझे कुछ करना था, लो कंफर्ट जोन से कम्प्लीटली बाहर आके अभी कुछ कर रहे। लाइक दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, सोच भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि हम लोग निकलने से पहले कंप्लीट काम करके निकले थे। पता नहीं क्या हो गया, मतलब कुछ हुआ नहीं था, स्पार्क प्लग थोड़ा सा लूज हो गया था, उसकी वजह से सीन हो गया। अभी हम लोगों ने दो एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग ले लिए, बस हम लोग के पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, बट कोई नहीं, स्पार्क प्लग है तो मतलब कुछ सीन नहीं होगा, बाकी तो गाड़ी में कुछ काम है नहीं, तो इंशाल्लाह कोई तकलीफ तो आएगी नहीं, बट स्टिल सेफ साइड के लिए लेके रख। मुझे रोड कवर करना है तो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दी राइडिंग। गाइस एंजॉय दी टाइम लैप्स। यह आ गया अपना फर्स्ट घाट सेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो गाड़ी एकदम माशाल्लाह है, क्या ही ठंड है यार, मैंने हाफ स्लीव्स पहन लिया है। पर घाट सेक्शन अभी ऊपर चढ़ रहे तो थोड़ा ठंड ऐसा फील हो रहा है। हाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा सेफली भाई, ये मेरे को लद्दाख से बेकार वाला फील दे रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल यार, बहुत गंदा फील दे रहा है ये भाई, ये लद्दाख से बेकार है। खड्डों में रास्ते, रास्तों में खड्डे, क्या बोलूँ मैं इसको, आप ही कमेंट करके बता दो इसको क्या बोले। आ गया हमारा थर्ड घाट, सेकंड घाट में मैंने शूट नहीं किया, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो रोड ख़राब था वहीं पे सेकंड घाट आया, बाकी तो सब बढ़िया एकदम चल रहा है। एक तरफ से धूप, एक तरफ से क्लाउड्स, बहुत ही डरावना माहौल बन चुका है, क्योंकि हमारे पास नहीं है रैंक कोट जैसा आपको पता है। सीजन में यहाँ पे रात में आओगे ना तो कुछ नहीं दिखेगा सामने का, लाइक कंप्लीट फॉग होता है, 5 मीटर के डिस्टेंस तक का भी दिखेगा, यहाँ सामने भी नहीं दिखेगा। उसके लिए हाई बीम वाली एकदम लाइट अच्छी रहेगी तो ही आपको हल्का हल्का दिखेगा, वरना बहुत ज़्यादा स्केरी रोड है विंटर सीजन में रात में ही है। लाइक दिसंबर के एंड में आओगे ना क्रिसमस के टाइम पर, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये एकदम हिल पे, टॉप पे, माउंटेन के टॉप पे। अभी आप तो को दिखेगा कि नीचे जाने के टाइम में व्यू देखना कितना अच्छा अच्छा व्यू होगा। अभी हमने ये डिसेंड करना स्टार्ट किया है, यहाँ से ये हिल का डिसेंडिंग स्टार्ट हो चुका है, तो अभी सामने व्यू आ रहा ही होगा। सऊद भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस प्ले एडिशन गोप्रो जैसे कैमरा के लिए, बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि यार मेरा अगर होता था ना अभी तो उसमें थोड़ा सा वाइडनेस कम है, और सेकेंडली वो थोड़ा ज़्यादा हैवी है तो मेरे को बहुत तकलीफ देता था नेक के लिए, और मुझे बार बार ऐसा देखना पड़ता था कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है उसका, क्योंकि स्क्रीन भी सामने साइड था। हम आ गए हिल के नीचे, तो अभी कुछ ही देर में हम कनेक्ट हो जाएंगे मुंबई गोवा हाईवे। गाइस मुंबई गोवा हाईवे, उसके बाद हमारी तकलीफें और बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे से जो गाड़ियां आएगी ना बड़े बड़े ट्रक, ओहो कोई नहीं, हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, हर तूफान को काटते हुए मुंबई पहुंच जाएगी आज। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने मेन हाईवे आ चुका है, और हम लोग ने हाफ वे, यू कैन से यस यस, हाफ वे हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। ये आ गया मुंबई गोवा हाईवे, यहाँ से सीधा जाओगे तो गोवा, और यहाँ से जाओगे तो मुंबई, एंड आर वी इज कमिंग।
यार बिलीव नहीं हो रहा यार, समवन प्लीज पिंच मी यार, बिलीव नहीं हो रहा है। इतना जर्नी कंप्लीट कर लिया, जो बंदा 15 किलोमीटर से ज्यादा स्कूटी पे चलता नहीं था वो बंदा 200 किलोमीटर मुंबई जा रहा है बाइक लेके, ओहो वो भी स्कूटी पे एक्सेस पे। बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है यार गाइस। फाइनली लीगली फर्स्ट ब्रेक लिया है जहाँ मैं और साउथ भाई जब आए थे कार से कितने पिछले 2-4 ब्लॉक के पहले की बात है, तो जहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे वहीं हम लोग रुके मैं और अरबाज भाई। क्यों रुके? क्योंकि अभी टाइम ट्रांजेक्शन हो जाएगा, लाइक सनसेट हो जाएगा और फिर डार्क हो जाएगा, तो उसकी वजह से हम लोग ने मैंने निखिल भाई से ये चीज़ सीखी है कि जब भी टाइम ट्रांजेक्शन होता है तो ब्रेक ले लो, ताकि वो मतलब ऐसा होता है यार ऐसा अचानक डार्क हो जाता है तो उसकी वजह से ब्रेक लेना चाहिए राइडिंग करते हुए टाइम, तो इसीलिए मैंने ब्रेक लिया। अभी चाय पियेंगे, थोड़ा सा वो अपना एक्शन कैमरा लगा दिया उसको भी चार्ज पे, उसका बैटरी लो हो गया था तो उसको भी चार्ज पे लगाया। 15-20 मिनट में निकल जाएंगे, फिर डायरेक्टली आपको मुंबई में मिलेंगे शायद से, देखते यार मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग मुंबई में मिलेंगे, फिर भी 4 बार मिल चुका, तो अभी मतलब समझ लो कि अभी नॉनस्टॉप चलना है। अभी तक तो नॉनस्टॉप आए मस्त, एकदम मज़ा आई चलाने के लिए। सीन ऐसा हो गया कि अपना जो एक्शन कैमरा है उसका बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो टाइम लगेगा उसको चार्ज होने, तो अपन रुक के वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, निकल जाते हैं। वैसे भी रात हो गई है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये गया यहाँ पे पुणे और ये हम जा रहे हैं मुंबई।